पर्यावरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट से तो दुनिया वाकिफ है। अब तो एक ऐसी मिसाल वो पेश करने जा रहे हैं जो भारत के इकोसिस्टम को सुधारने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। मोदी सरकार गुजरात से लेकर दिल्ली तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने की तैयारी कर रही है। ये ग्रीन वॉल 1400 किलोमीटर लंबी होगी और कई जगह पर तो इस ग्रीन वॉल की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक होगी। इसे अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा की तर्ज पर बनाया जाएगा। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा को पर्यावरण और रेगिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया था। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में बनाया जाएगा। गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक इसका निर्माण होगा। इससे भारत के वन क्षेत्रों में इजाफा होगा। साथ ही गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हरियाली के संकट को भी ये कम करेगा। इस ग्रीन वॉल के निर्माण से पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली को आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने से 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को अपनी प्राथमिकताओं में रखेगी और 2030 तक इसे बनाकर तैयार कर लेगी। ये भारत सरकार के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक होगा जो देश की आबो हवा को सुधारेगा, यहाँ के इकोसिस्टम को बेहतरीन बनाएगा। इससे जंगली जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की संख्या में इजाफा होगा और सबसे बड़ी बात, इसे तैयार कर हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे।